Take me out to the ball game. I'll take you to the ball. Take. Hey, welcome back to our stupid directs. It's up Corbin. Today we're doing stand-up. I don't believe we've seen this gentleman before, but his name, say this. Sarojini Nagar. Excuse me, brother. Stand-up comedy by Akash Gupta. Gupta. Gupta, I know we've... Gupta's a common last name. I don't... Forgive us if we've seen you before. That name is not ringing a bell. But let's just get into... And it was subbed by our subber, so... Thank you, subbers. Best in the biz. These are probably the hardest videos to sub. Yep. Because they go so incredibly fast. I'd love to know from the stupid babies that do that in the stupid family, which is more difficult. I would imagine three things. One is taking like Gulzar poetry. Yeah. And turning it into something expressive that's comparable. Mm-hmm. Two, stand-up comedy. Three, Brodovi. Rap. Oh, yeah. Yeah. Yeah, probably. Yeah. Here we go. बट दिल्ली की ना एक जगह है जो मेरी फेवरेट जगह है ठीक है उसका नाम है सरोजिनी नगर ठीक है इट्स अ फ्ली मार्केट जैसे आप यहाँ आई है ना लिंकिंग रोड हिल रोड फ्ली मार्केट सोचते हो आप जहाँ वो चलो आराम से I like him already मैं भैंसी गिर गया क्या मैं भैंसी की चल चलते भर जाती क्या गिर गया पूरा तो बता नोटी ये मार्केट पता क्यों फेमस है क्योंकि यहाँ ना बहुत सस्ते कपड़े मिलते हैं पर मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि यहाँ इतना प्यार मिलता है आपको कोई आइडिया नहीं है जितने लोगों को लगता है ना कि दिल्ली बहुत रूड है बहुत अग्रेसिव है एक बार सरोजिनी चाहिए रैंडम लौंडे रैंडम आपको इतने प्यार प्यार से बुला देते हैं एक्सक्यूज मी ब्रदर ब्रदर टी शर्ट इतने प्यार से सगे ब्रदर ने नहीं बुलाया और ये नॉर्मल टोन नहीं होते इनकी ये पता ये 5 फुट के लौंडे होते हैं इनके 3 फुट के स्पाइक्स होते हैं इनके शरीर पे कहीं भी पियर्सिंग हो रखी होती है जीभ पे झुमका है मतलब एक स्कार आप शक्ल देख के बता सकते हो कुछ से रात को बोरियों में लाश लाश खाए कुछ है इसका मेन काम ये नहीं है यार इन लौंडों में ना कुछ कन्विंसिंग पावर होती है कि आप इनके मुंह पे ना पहली बारी में मना ही नहीं कर सकते एक बार मैं सरोजिनी में जा रहा था मेरी पीठ पे एक हाथ आ गया अरे ब्रदर सब ठीक है सब ठीक है ना चलिए फिर टी शर्ट देखते हैं स्कूल से पढ़ के आए ये मार्केटिंग सेलिंग टेक्निक कहां सिखाई जा रही है यार क्योंकि बहुत अमेजिंग तरीके होते हैं क्या है फंसाने के एक बार हम 3 दोस्त जा रहे थे फिर से आवाज आई एक्सक्यूज मी ब्रदर मैं कहा हाँ ब्रदर आपने जींस बोली थी वो आ गई है नाइस लिटरली जींस नहीं यार मैंने नहीं बोली थी ओ ब्रदर आपने नहीं बोली थी ओके तो ब्रदर आ गए तो देख ले तो चले ब्रदर जींस फिर ले गया मेरे को वहां एक बंदा जींस खोल के उड़ा मेरी टांगे डाल दी उसको उन्होंने यार यहाँ तो लेके घूम रहा हूँ मैं जींस अब तो खरीदनी पड़ेगी ना प्लानिंग देख रहा एक बंदा यहाँ ना बेल्ट बेच रहा था ठीक है भाई वो भी एक अलग कैरेक्टर होता है यार तो नॉर्मल बेल्ट खरीदने का क्या तरीका होता है कि आप शॉप पे या शोरूम में जाके ऐसे दीवार पे या रैक्स पे बेल्ट होती है आप चूज करते हो ये आदमी अपनी गर्दन पे 70 बेल्ट पहन के घूम रहा है यार बेल्ट पहन के ऐसे बकल यहाँ डग रहे हैं सारे से। और ना एक इसके हाथ में लिपटी होती है ऐसे तो रहते हैं कोई एक्सप्रेशन नहीं एकदम हार्मलेस बंदा लगता है आपको भी पर जैसे ही तुम इसके सामने से निकलो ना ये बेल्ट खोल के तुम्हारे पैरों के आगे मारता है क्या क्या
Brother, bitch. Hey, brother. No, gaan nahi hai aapke paas. Kyunki ye wali phaad di apne. He's funny. He's really good. Really. He's very, very quick. Good with the mechanism too. You know, you have to say to me, this is my brother. So, bait, I'll put a spare gun. What do I do? I'll give it to him. Excuse me, brother gun. Putty gun, brother. Which way to bait? Which way to bait? Which way to bait? Which customer is coming to the market? Just give me a belt. उसकी फिटिंग नहीं, उसकी हिटिंग बढ़िया होनी चाहिए। मैंने उससे जाके पूछा, मैं कहा भैया ये बेल्ट कमर पे कैसी लगेगी? जोर से लाल कर देगी, पीछे मोड़ो डेमो देता। नहीं नहीं, मैं नाड़ा पहनता हूँ, मैं तो ऐसे पूछ रहा था आपसे। भाई इस बंदे से ना बार्गेनिंग मत करना तुम्हें। इसने 250 बोला, चुपचाप 250 की ले लो। इसको मत बोला क्या भैया 200 लगा लो ना यार। अरे आप वर्थ देखिए ना क्वालिटी। कौन है इसकी टारगेट ऑडियंस? कोई तो टीजी इसकी भी है ना, क्योंकि इतने सालों से धंधा चल रहा है इसका। मुझे लगता है इसकी टारगेट ऑडियंस है वायलेंट फादर्स। हरामी बाप नहीं होते जो सर आगे सर आए इतने दिन बाद आए। सर देखिए नया माल आया, ये यूनिट टेस्ट वाइवा वगैरह के लिए। ये सर मोटा बकल है, ये 10-12 के बोल्ट्स हैं। ये सर जनरल फन बेल्ट्स, पानी की बोतल करनी बड़ी फटैच। शिमला घूमने जाएंगे हैं, नाइट आउट फटैच, जनरल फन बेल्ट्स सर। सर ये हमारा हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है सर। इधर आइए आप देखिए, ये अगर आपके बच्चे कॉलेज में कह रहे हैं पैशन फॉलो करेंगे। डांसर सिंगर ये सब बनेंगे ना, एनजीओ खोलेंगे हैं। सर ये एमबीए कराती है। सर इसको हम बोलते हैं कैट बेल्ट। आप उसकी पीठ पे मारेंगे, उसके मुंह से निकलेगा कैट, ठीक है? सर दो तीन मारेंगे एंड एग्जैक्ट सारे पेपर देगा सर। He's really good. और सर दोनों तरफ से मारना, वरना क्या रिटर्न क्लियर हो जाए, इंटरव्यू रह जाएगा। फिर आप आके हमें बोलेंगे। और सर वो साइड वाली दुकान से मत लेना, सोनू की दुकान से। उसकी दुकान से लेना, प्राइवेट कॉलेज निकलते एमिटी शारदा वर्ल्ड इज हियर वेयर आर यू कॉलेजेस। आप हमारी बेल्ट में, जैसे आई एम अहमदाबाद निकल आएंगे हम फर्स्ट अटेम्प्ट। ये देखिए सर टॉपर्स की फोटो देखिए आप, वो ना कि कोचिंग सेंटर के बाद टॉपर्स की फोटो लगी होती है, इसने वही फोटो नंगी पीठों के साथ लगवा रखी है। सर ये राहुल पीठ देखिए कितनी लाल है, 25 लाख का फायदा सर हमारी बेल्ट है सर। मैं खुद आई एम ड्रॉप आउट हूँ सर। बहुत जबरदस्त लौंडे होते हैं यार ये। उस दिन मैं जा रहा था सरोजनी में, एक बंदा मेरे पास आया, कह रहा ब्रदर गॉगल्स। मैं उसे पहना दे, मुझे छुए बिना, मैं तो इम्प्रेस ही हो गया यार। मैं कहा तू प्रैक्टिस कहाँ कर रहा है? क्योंकि ऐसा भी नहीं कि मैं खड़ा हूँ कि इसने गॉगल्स पहना दिए, मैं चल रहा हूँ सडनली गॉगल्स आ गए हैं सर। यहाँ से रेड लाइन लटक रहा है, सब कुछ काला काला दिख रहा है मुझे। मैं कहा भाई जादू कर रहे हैं क्या? जरा कबूतर भी निकालिए फिर यहाँ से। यार मैं खुद का चश्मा खुद को छुए बिना नहीं पहना पाता हूँ। ये बंदा 150 ब्रदर। पर अब ये चीज होगी कि ना, ये इस मार्केट में ना आपसे बिना पूछे आप चीजें ट्राई व्राई कर देते हैं। वो इंसिस्ट करना बंद कर दिया, एक्सक्यूज मी, वो सब पहले बड़ा मजा आता था। एक्सक्यूज मी सिस्टर, अरे जीजू भी आए हैं, जीजू जी सिस्टर के लिए कप्पा, एक्सक्यूज मी लव कप्पा। सब मजा लेते रहते थे यार ये लोग। अब ये बिना मुझे प्रोडक्ट ट्राई कर रहे हैं। उस दिन किसी ने ना मुझे हेड मसाज दे दी। वो ना तो एक हेड मसाजर है, वो ऐसे लोहे की डंडियां ऐसे फैल जाती हैं सर पे। यार मैं चल रहा हूँ मार्केट में, पीछे से धुर। क्या क्या एंजॉय किया ना? हाँ थोड़ा सा। 30 रुपीज।
₹30 देने पड़े यार। उसको देख के ना एक बंदा मेरी पीठ पे खुजली करने लगता है। वो एक डंडी आती है उसके आगे कार्टून के दो दांत आते हैं, देख रहा है वो बुढ़े आड़े खुजली नहीं कर रहे थे पीछे पड़ गया, भैया ले लो, भैया कहाँ भाग रहे हैं, ले लो भैया, भैया 6 किलोमीटर हो गए अब तो ले लो। आप सोचो कितना वेट हो जाएगा, सारे दुकानदार ऐसे अथॉरिटी ले लें कि आपसे पूछे बिना आपके प्रोडक्ट ट्राई ही हो जाता है। तुम मार्केट में घूम रहे बंदा ऐसा नहीं ट्रिमर है, ट्राई करेंगे गंजा कर दिया मैं, ये तो पहले पूछ रहा था, ये लेकर कहाँ घूमूं मैं, या तो यहाँ से बगैर पैकअप बना दे मुझे, नहीं जींस आई है ब्रदर की पैंट उतारो बहुत बढ़िया, अरे कच्छा भी नहीं पहना पपी शेपरा तो मार्केट में नंगे आ गए हैं यार, अपने 1 घंटे के सोलो शो के साथ बहुत सारी सिटीज में टूर कर रहा हूँ, टिकट्स लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाय द वे ये वही शो है जिसको मैं पिछले 2 साल से परफॉर्म कर रहा हूँ, पर ये टूर इस शो का आखिरी टूर होने वाला है। अब आप पूछेंगे कि आखिरी टूर क्यों, क्योंकि इस पूरे 1 घंटे के शो को मैं रिकॉर्ड करा रहा हूँ ऑनलाइन रिलीज करने के लिए। अगर कोई चुप कर गया, इस फाइनल शो की लाइव टेपिंग हो रही है दिल्ली में, जी हाँ दिल्ली में, टिकट भी नीचे खरीदो, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। Very funny. Didn't know his name before we started. Won't forget it now. How do you say it? Akash Gupta. Akash Gupta. Give that man a sitcom. Very funny. He's obviously a very different comedian, but in terms of his storytelling and his fast pace, like when Kevin Hart first started, yep, he told stories incredibly well, incredibly funny, and his way of styling is very fast. And his reactions to what's happening. Reactions in character, paints a picture, everything he was saying. I'm like, okay, if I was a producer of a show, we could turn that stand-up routine into a couple of episodes of his sitcom. Yeah. And he's got magnificent timing. Yeah. Great timing, great physicality, taking you back to things. He has a musicality to his delivery. That's really, really good stand-up comedy. Excuse me, brother. Very yep. Funny. Very funny. Very, very good stand-up very comedian. Very good. Let us know more from him or others, stand-up comedians, that we should react to down below! Below, brother! Dinda,